गाड़ी एक्चुअली मैंने रोड में चलती हुई देखी थी, अच्छी लगी, और नेट से पता करने के बाद यहाँ का एड्रेस मिला और यहाँ पे आके बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला, यहाँ से बहुत अच्छा वेलकम मिला, बहुत अच्छे से इन्होंने डेमो दी, सारे स्टाफ यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और जब से लॉन्च करी गई तब से लेके आज तक लगभग 2 लाख सुपर कैरी रोड पे आ चुकी है। और जो सबसे खास इसकी फीचर है, इसकी इंजन की जो हीट है वो बिल्कुल भी केबिन में नहीं आता, क्योंकि हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम आ रखे हैं मारुति सुजुकी के ऑफिशियल कमर्शियल शोरूम पे, जहाँ पर कि आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की सुपर कैरी, जो कि सीएनजी वेरिएंट है, मोस्ट डिमांडेड वेरिएंट रहता है ये मार्केट में। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि जो आपका शोरूम है आपको रोहिणी सेक्टर 16 नियर बाय डीटी रोड पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर कि ये मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो भी अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं उनके लिए एंट्री लेवल पे ये आपके लिए सबसे बेस्ट व्हीकल रहता है। आज हम इस व्हीकल के बारे में, इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इसके टोटल स्पेसिफिकेशन और बाकी सब चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कि हमें यहाँ के खुद जो यहाँ के एम्प्लॉय है वो हमें बताएंगे, मिस्टर सुजीत जी। नमस्कार सर, ये सर मारुति की सुपर कैरी सीएनजी प्लस पेट्रोल गाड़ी है। इसमें सर 1297 सीसी का इसका इंजन है सर। ये सीएनजी प्लस पेट्रोल गाड़ी है सर। पेट्रोल पे सर इसका एवरेज अगर हम माने तो सर 25 के आसपास में देगा, और सीएनजी पे भी 25 के आसपास में, हाईवे पे बाद में सर मिनिमम कम से कम 23-24 तो कहीं नहीं जाना है। जो कस्टमर का सर फीडबैक है वो मैं बता रहा हूँ, 23-24 कस्टमर का फीडबैक है सर। ठीक है सर, इसका सर केबिंग आई है, केबिंग दिखलाता हूँ मैं आपको। इसका केबिंग सर बिल्कुल फ्लैट है, जैसे नो एंट्री में कहीं पे आप फंस गए हैं तो इस पे सर लेट सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। इसका सर स्टेयरिंग बिल्कुल सर पावर स्टेयरिंग तो नहीं बोलेंगे, नहीं सर नॉर्मल है। इसमें सर कोई कस्टमर बोलता है कि सर सीएनजी प्लस पेट्रोल, ये पेट्रोल पे ही स्टार्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आइए आपको दिखला देता हूँ, ये सीएनजी, ये देखिए सर, ये अभी गाड़ी सीएनजी पे नहीं है, इसको हम सीएनजी पे करेंगे। सीएनजी पे हो गई गाड़ी सर, अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लिए, ये गाड़ी हमारा सीएनजी पे स्टार्ट हुआ है सर, पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, 5 फुट 2 इंच की केबिंग है चौड़ाई, जो कि सर बहुत कम देखने को मुझे मिलती है, और सर लंबाई 7 फुट 5 इंच है सर इसकी लंबाई। इसकी टायर सर देख लीजिए, टायर सर 13 इंच का लगा हुआ है, टायर सर 13 इंच का टायर है। ठीक है सर, पीछे सोकर और पट्टा कमानी दोनों हैं। ठीक है सर, इसमें सर इधर आइए, ये सर सेंसर लगा हुआ है 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है सर, और बाद बाकी सर हम आउटलेट पे, आउटलेट हेड से आपको मिलवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, मायसेल्फ जितेंद्र चौधरी, और मैं जितेंद्र चौधरी कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड के कॉमर्शियल आउटलेट का आउटलेट हेड हूँ, और आज मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सुपर कैरी व्हीकल जो कि अभी पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रही है, उसका क्या परफॉर्मेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं सुपर कैरी, दिस इज नॉट अ इंडियन ओनली इंडियन प्रोडक्ट, इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट, ये पूरे विश्व में ये प्रोडक्ट चलती है। और मैं बताऊं इंडिया में तो 2016 में इसको काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद लॉन्च करी गई, और जब से लॉन्च करी गई तब से लेके आज तक लगभग 2 लाख सुपर कैरी रोड पे आ चुकी है। और 2 लाख प्लस सक्सेसफुल कस्टमर इसके बन चुके हैं,
और वो सभी नए नए जो यूजर्स हैं उनको अपना रेफरेंस दे दे के और नए यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये यूजर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं और सुपर कैरी क्यों धूम मचा रही है, उसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि सुपर कैरी जिस सेगमेंट की प्रोडक्ट है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में 1197 सीसी की गाड़ी जो काफी स्ट्रॉन्ग चार पिस्टन में 64 हॉर्स पावर की है गाड़ी, 64 हॉर्स पावर में जो बड़ा इंजन का कैपेसिटी है वो बड़ा हो गया और इंजन की कैपेसिटी के साथ साथ इसकी जो फ्रंट है वो काफी मजबूत और काफी लुकेबल है, सड़क रोड से काफी ऊंची है। आप देख रहे हैं इस टाइप की व्हीकल में इतनी सड़क ग्राउंड क्लैरिटी बोलते हैं इसको, ग्राउंड क्लैरिटी काफी, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है। एंड अगर मैं बात करूं इसके साइड की, इसके इसमें जो यूज करी गई मेटल है वो मेटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही आप सिल्वर और गोल्ड में फर्क कर सकते हैं वैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। जहां तक मैं बात करूं इसके केबिन की तो वाओ, काफी स्पेशियस केबिन, यू कैन फील लाइक अ कार, आपको कार वाली कंफर्ट देता है और बहुत ही अच्छा इंटीरियर बनाया हुआ है जो कॉमर्शियल व्हीकल में अक्सर देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल फ्लैट सीट है। और मैं एक चीज और जो सबसे खास इसकी फीचर है, इसकी इंजन की जो हीट है वो बिल्कुल भी केबिन में नहीं आता, क्योंकि सीट और इंजन के बीच में जो एक परत यूज करी गई है वो मल्टीपल मटेरियल से परत यूज करी गई है, जिसमें जास्ता, तांबा, सीसा, बहुत सारी ऐसी मटेरियल डाली गई है जो इंजन के हीट को बिल्कुल भी केबिन तक नहीं आने देती। और मैं बात करूं कंफर्ट की तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफर्ट इन दिस व्हीकल व्हिच यू कैन, बिल्कुल आप इसको फील कर सकते हैं। मैं आऊं अगर साइड से पीछे की ओर, इसका जो मेन एरिया जो डेक का एरिया है, डेक की जो डायमेंशन की मैं बात करूं तो डेक की डायमेंशन मैं सीरियसली बता रहा हूं कि इस टाइप के व्हीकल में जो इसकी विथ है, जो चौड़ाई है वो काफी अच्छी चौड़ाई के साथ व्हीकल लॉन्च करी गई थी, 5.25 फीट की। अक्सर इस टाइप के व्हीकल में 5 फीट से कम ही चौड़ाई रहती है, इसकी चौड़ाई 5.25 फीट की करी हुई है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई की मैं बात करूं तो ये 7.25 फीट की लंबाई है, जो इस व्हीकल के लिए काफी ही कंफर्ट है। मैं बात करूं इसके अगर चेसिस की तो काफी मजबूत चेसिस है, जो आप देखने को आपको मिलेगा खुद ही काफी मजबूत चेसिस। और इसमें जो टायर की साइज है वो टायर की साइज ग्राउंड क्लियरेंस इससे बढ़ती है 13 इंच की है। इस तरह के व्हीकल में अक्सर 12 इंच की ही टायर, 12 इंच की ही टायर। और जब चेसिस की मैं बात कर रहा था तो ये चेसिस जो है वो काफी मजबूत चेसिस है। हाँ जी ठीक है जी। और इस तरह से इन सभी फीचरों के साथ इस व्हीकल को एक दमदार, एक शानदार, एक जानदार व्हीकल बनाती है सुपर कैरी CNG प्लस पेट्रोल, हिंदुस्तान का जानदार। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी और मैं जितेंद्र चौधरी सुपर कैरी कॉमर्शियल आउटलेट हेड हूँ, जो ऑथराइज डीलर मारुति सुजुकी कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल कंपनी से। एज आउटलेट हेड आज मैं एक सुपर कैरी व्हीकल डिलीवर कर रहा हूँ साईं बाबा एसोसिएट से आए हुए हमारे मित्र, हमारे साथी काला साहब। और काला साहब जब यहाँ पे आए हैं और ये व्हीकल डिलीवर ले रहे हैं तो उनको इस आउटलेट में आने के बाद कैसा फील हो रहा है और व्हीकल डिलीवरी लेने का क्या अनुभव है, ये काला साहब चंद शब्दों में बताएंगे प्लीज। ये गाड़ी एक्चुअली मैंने रोड में चलती हुई देखी थी, अच्छी लगी और नेट से पता करने के बाद यहाँ का एड्रेस मिला और यहाँ पे आके बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला, यहाँ से बहुत अच्छा वेलकम मिला, बहुत अच्छे से इन्होंने डेमो दी, सारे स्टाफ यहाँ पे बहुत बढ़िया है और गाड़ी तो नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था।